हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पत्ता गोभी खाएं या ना खाएं के बारे में। अगर पत्ता गोभी खाएं तो कौन से नियमों के साथ खाएं। वीडियो शुरू करने से पहले करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साथ एक घंटी है जिसे प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, कई लोगों में पत्ता गोभी को लेकर भारी भ्रम है। वे मानते हैं कि इसमें बैठे कीड़े ब्रेन की ऐसी बीमारी पैदा करते हैं जो लाइलाज है। क्या यह सच है? इस वजह से हम पत्ता गोभी खाना ही छोड़ दें? कौन से हैं तीन नियम जिनके साथ हम पत्ता गोभी खा सकते हैं? न्यूरोसिस से सोसिस बीमारी के चलते अक्सर पूछा जाता है कि क्या हमें पत्ता गोभी या पालक खाना चाहिए या पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पत्ता गोभी, पालक तो अनेकों विटामिन, फाइबर, मिनरल्स के अच्छे स्रोत हैं। ये सब्जियां हमारी पोषक की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। ऐसे में एक कीड़े के डर से हम उन्हें पूरी तरह से त्याग दें, यह तो अनुचित होगा। तो फिर हम क्या करें? आइए हम तीन छोटे छोटे नियमों का पालन कर आराम से खाएं पत्ता गोभी। नियम फर्स्ट, थोड़ी देर गर्म पानी में उबालने से भी टीनिया सोलियम कीड़ा मर जाता है, और अगर मरा हुआ कीड़ा पेट में जाता भी है तो किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए एक नियम बनाएं कि इन्हें कच्चा नहीं खाएं, उबालकर या सब्जी बनाकर खाने में कोई हर्ज नहीं है। नियम सेकंड, पत्ता गोभी पालक को रनिंग वाटर या नल की तेज धार के नीचे धोने से भी यह कीड़ा हट जाता है। इसलिए दूसरा नियम यह बनाएं कि अगर कच्चा खाना ही है, वैसे तो अवॉइड ही करें, तो इसे कम से कम रेस्टोरेंट या शादी में खाने से बचेंगे। घर पर अच्छी तरह से धोकर ही खाएं। नियम थर्ड, सैंडविच, बर्गर, पैटीज आदि में टॉपिंग के तौर पर पत्ता गोभी कच्ची ही डाली जाती है। तो तीसरा नियम यह बनाएं कि रेस्टोरेंट में सैंडविच, बर्गर, पैटीज में हम पत्ता गोभी नहीं डलवाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया है पत्ता गोभी खाने के तीन नियम। एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी इंग्लिश की वर्ड पावर को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट करना ना भूलें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना मत भूलना, और मेरी वीडियो को करना है ढेर सारा लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।